पिंजौर विच कुछ शरारती अंसरां वल्लों एक कार सवार नूं बुरी तरह जख्मी कर दिता गया अते बाद विच ओह उसदी कार लैके फरार हो गए। वेखदे आखिर की है मामला, पीबीसी न्यूज़ दे नाल। पंचकुला के पिंजौर विच कुछ शरारती अंसरां वल्लों एक व्यक्ति की बुरी तरह कुटमार करके उसकी कार खो के फरार होने का मामला सामने आया। जख्मी नूं सैक्टर 6 स्थित हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। इस लुट की सूचना मिलते ही पिंजौर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिव स्टाफ की टीम जांच विच जुट गई है। जानकारी अनुसार सिसवा के बद्दी का रहने वाला इकबाल खान बीते दिन सवेरे लगभग 11 बजे पिंजौर स्थित महादेवपुर कलोनी विच अपने किसी रिश्तेदार नूं मिलन लई इनोवा कार राही आया सी। उसी दौरान उत्थे उसकी मुलाकात रोमियो नामक एक व्यक्ति नाल हुई। मिलन तो बाद जो इकबाल अपने घर वापस आ रहा सी तां इसे दौरान अमरवाती दे कोल इकबाल दी कार दे अगे रोमियो नाम दे एक व्यक्ति ने अपना मोटरसाइकिल लगा के उसका रस्ता रोक लिया, जिस तो बाद रोमियो ने उस उपर किसी लकड़ी नाल हमला कर दिता अते उसनू बुरी तरह जख्मी कर दिता। मौके ते ही रोमियो दे होर साथी भी घटना स्थान ते पहुँच गए अते वो अपना मोटरसाइकिल उत्थे ही छड के इकबाल दी कार नू लै के फरार हो गए। पीड़ित इकबाल जख्मी हालत विच हस्पताल विच जेरे इलाज है। इस घटना तो बाद पिंजौर विच दहशत का माहौल बन गया अते सूचना मिलते ही SHO नवीन कुमार, क्राइम ब्रांच की टीम हस्पताल विच पहुँच गई। SHO नवीन कुमार ने PBC न्यूज़ की टीम नाल गलबात करते दसिया, कुछ व्यक्ति इकबाल खान ते हमला करके उसकी कार खो के फरार हो गए। जख्मी इकबाल खान अजे बयान देने की हालत विच नहीं है अते इकबाल का बयान लैन तो बाद ही असी दस सकते हाँ कि उस नाल अजिही घटना क्यों वापरी है। असी पीड़ित दे परिवार वालियां नूं इस घटना की सूचना दे दित्ती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की डूंघाई नाल जांच कर रही है। ये अभी इसने अपना नाम इकबाल खान बताया है और इनके घर वालों को, इनके ब्रदर को हमने बुलाया है, जिन्होंने बताया कि ये यहाँ पे आया हुआ था, जिसने जो अभी इसने हालत इसकी ठीक नहीं है, ड्रिंक की लग रहा है, डॉक्टर ने बताया जी, चोट लगी है उनको, ट्रीटमेंट चल रहा है। जो गाड़ी ये कह रहे हैं कि भी मेरी गाड़ी छीनी गई है जी, जिसकी अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी भी बात सामने आती है कार्रवाई की। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ लीड की रिपोर्ट।